नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नवनीत हरोल और आज मैं आपको लड़कों में हेयर लॉस की वजह और उसको कम कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें बताऊंगा। लड़कों में बाल झड़ने का जो सबसे कॉमन कारण होता है वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो जेनेटिक डिटरमिनेंट रहता है, और बाकी कारण होते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्मोकिंग, अल्कोहल, एनवायरमेंटल चेंजेस जैसे कि वाटर कहीं का टीडीएस हाई हो या पॉल्यूशन एटसेट्रा, स्ट्रेस या जैसे कोई बीमारी से आप जस्ट ठीक होकर बाहर आए हो जैसे कि कोविड, टाइफाइड या और कोई कॉमन कंडीशन, इन सारी चीजों में हेयर फॉल देखने को मिलता है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के मुख्य कारण, इसका रीजन जेनेटिक होता है। अगर आपकी फैमिली में किसी के बाल काफी थिन है या बॉल्डनेस या गंजापन है तो आपको काफी चांसेस होते हैं ज्यादा गंजापन होने के। ये हॉर्मोन्स के कारण जिसमें रोल प्ले करता है एंड्रोजन, जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है वो ब्लड में डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है। ये डीएचटी हार्मोन बालों को पतला करता है और जो एंजाइम होता है उसे कहते हैं 5-alpha-reductase, जो कि डीएचटी में कन्वर्ट करवाता है, और इस वजह से होता है मिनिचराइजेशन ऑफ हेयर फॉलिकल्स, यानी कि बालों का पतला हो जाना। तो इससे बाल पतले हो जाते हैं, लंबे नहीं हो पाते हैं पहले की तरह, वो इतने पतले हो जाते हैं कि दिखना भी बंद हो जाते हैं। तो ये सारे मेन रीजन है हेयर लॉस के। तो क्या करें गंजेपन को हटाने के लिए? घबराए नहीं, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शन की। तो इसमें काफी टाइप्स के ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि लोशन लगाना, टैबलेट्स और भी कई थेरेपीज। लोशन में जो सबसे कॉमन होता है वो है माइनोक्सिडिल, और भी काफी अदर लोशन अवेलेबल हैं जैसे कि रिडेंसिल, प्रोकैपिल और बहुत सारे। ये लोशन बालों को मजबूत करते हैं और हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं। टैबलेट्स में जो कॉमनली यूज है वो है फेनिस्ट्राइड, ड्यूटास्टेराइड, मल्टीविटामिन जैसे कि बायोटिन। ये जो हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं वो हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं और हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं। अगर इनसे भी फर्क नहीं पड़ रहा या बाल बेटर नहीं हो रहे तो आप पीआरपी या जीएफसी करवा सकते हैं। और नेक्स्ट होता है लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। आप इसे हेलमेट से या लेजर कॉम से लाइट थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस लाइट को आपको हफ्ते में 3 बार 20 मिनट्स के लिए लेना पड़ता है। और फिर तीसरा होता है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में डिटेल मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और भी अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कभी भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं या डेमो मिरेकल आ सकते हैं मुझसे मिलने के लिए। आई विल बी रेडी टू हेल्प। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।